शेयर इक्विटी खरीदना आप बंद करो। जो ले चुके दोस्तों, ट्रेडर सीखो। अगर अरबपति करोड़पति खरबपति बनना है तो ट्रेडर बनो। ऑप्शन फ्यूचर पुट कॉल सेल बाई करना सीखो, चाहे 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, और चोरों से सावधान हो जाओ। यस, आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपका पैसा है, आपका पैसा, मेरा पैसा, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, जहां जिस पैसे को जो चाहूं वो करूं, कौन रोकने वाला है दोस्तों। और इस पैसे को बचा कर रखिए, एक भी पैसा 3 महीना मत लगाइए किसी भी इक्विटी, किसी भी स्टॉक्स में। जो ले लिए है लेकर रखे रहिए दोस्तों। आज मैं बता रहा हूं जो 100% आपके हित में, क्योंकि जब तक आप 100 रुपये में से 50 रुपये नुकसान नहीं करेंगे, और जिस दिन ट्रेडर बन गए दोस्तों, मेरा दावा है कि पूरा 10 साल का, 10 साल का इक्विटी इन्वेस्टर डिलीवरी में लेने वाले पूरा 10 मिनट में रिकवरी कर लेंगे दोस्तों। तो 10 साल समझिए कि आप सीखते रहिए, 10 साल भी सीख लीजिए, और एक ट्रेड आपको अरबपति और खरबपति बना सकता है। जी हाँ, एक ट्रेड। तो आज से छोड़िए इक्विटी और सीखिए ट्रेडिंग, ऑप्शन फ्यूचर बाई कॉल सेल पुट सीख लीजिए, चाहे जितना दिन साल लगे दोस्तों। पहली बार आए इंटरडेटेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल में, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। और स्टॉक मार्केट में आए इंडिया, भारत के स्टॉक मार्केट को दुनिया का नंबर 1 बनाने के लिए। और अंधे को देखना, बहरे को सुनना, गूंगे को बोलना, लंगड़े को चलना सिखाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए दोस्तों, और हम सिखाते रहेंगे। क्योंकि पैसा हमारा, तुम कौन हो कि इस सेक्टर में लगाओ, उस सेक्टर में लगाओ। आप अपने ऊपर जब तक विश्वास नहीं करें दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंट जब आप नहीं बनेंगे, आप, दुनिया आपको घुमाती रहेगी दोस्तों, घुमाती रहेगी। घूमना नहीं है, आप अपने आप को घुमाइए। किसी के घुमाने और पढ़ाने सिखाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप खुद सीखिए, पढ़िए, अपने दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि पैसा लगता है, पैसा मेरा। और राय दोगे तुम, ये पूछना आपका अधिकार है दोस्तों। तो आज से इक्विटी शेयर लेना बंद, हम सीखेंगे ट्रेडर ट्रेडिंग करना, तभी जाकर, और चाहे जितना भी नुकसान हो जाए दोस्तों। जी हाँ, कभी भी 1 रुपया भी नहीं लगाना अब हमें स्टॉक मार्केट में, जब तक कि 100% फ्यूचर ऑप्शन पूरी जंत्र मंत्र तंत्र के साथ सीख आज ना दोस्तों। याद रखिए इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।